नमस्कार, मैं हूं गरिमा, स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं इंदौर की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में शुक्रवार को एक ऐसे भिखारी गिरोह का पर्दाफाश एक लाइव स्टिंग ऑपरेशन के जरिए हुआ, जिसे देखने के बाद असल में भी लोग असहाय लोगों की मदद करना बंद कर सकते हैं। गिरोह का एक ऐसा शख्स बच्चों के साथ अलग अलग चौराहों और सिग्नल्स पर सक्रिय रहते हैं और हर आने जाने वालों से अपनी नकली दिव्यांगता का हवाला देकर रुपए ऐंठते हैं। दरअसल इसी तरह का मामला शुक्रवार को इंदौर के LIG चौराहे पर देखने को मिला। यहाँ भीख मांगने का नया और नायाब तरीका सामने आया है। यहाँ भिक्षावृत्ति करने वाली गैंग के 25 साल के युवक को पकड़ा गया। वह दिव्यांग बनकर LIG चौराहे पर भीख मांग रहा था। उसे देख चौराहे पर खड़े ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने सोचा कि उसकी मदद की जाए और उसके टूटे हाथ की बजाय उसका नकली हाथ बनवा कर उसकी सहायता की जाए। जैसे ही यातायात विभाग के पुलिसकर्मी ने उसके हाथ की पीड़ा को देखना चाहा तो युवक ने झपटा मारा और भाग निकला, जिसके बाद सिपाही ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। उस भिखारी के देखा तो दोनों हाथ सही सलामत थे और उसने भीख मांगने के लिए कुर्ते में हाथ इस तरह छिपाया था कि देखने वालों को लगे कि वह दिव्यांग है। कटे हाथ का स्ट्रक्चर तैयार रखने वाले भिखारी ने कबूला, किसी तरह से उसकी गैंग को ट्रेस कर दिल्ली मूल रिटेक इसी तरह से उनकी गैंग को ट्रेस कर दिल्ली पुलिस ने उन्हें वहां से भगाया था, जिसके बाद उनका गिरोह इंदौर सहित प्रदेश के अन्य शहरों में लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रुपए ऐंठता है। आपको बता दें कि शुक्रवार को LIG चौराहे पर ट्रैफिक कर्मी सुमन सिंह ने एक दिव्यांग को देखकर मदद करनी चाहिए। जैसे ही सुमित ने उसका हाथ देखना चाहा तो वह झपट्टा मारकर भागने लगा और फिर जैसे तैसे उसे पकड़ा गया। जब उसका कुर्ता खोला गया तो पता चला कि वह दिव्यांग है ही नहीं। वहीं उसने मोबाइल कैमरे पर भी बताया कि वह कैसे अपना हाथ छिपा लेता है। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद युवक को LIG थाने लाया गया, जहां उसने बताया कि कुछ समय पहले दिल्ली पुलिस ने झूठ बोलकर दिव्यांग बनकर घूमने वालों के खिलाफ अभियान शुरू किया था और कुछ लोगों को जेल भी भेजा गया। इससे डरकर ही वो और उसकी गैंग के लोग वहां से भागकर इंदौर समेत कई जिलों में आ गए हैं। वहीं उसने कबूल किया कि यहाँ इनके साथ दूसरी गैंग भी पैरेलल चलती है, जो एक्सीडेंट का झूठा बोलकर कार वालों के पर्स और मोबाइल छीन ले लेती हैं। फिलहाल ताज़ा मामले के सामने आने के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या दिल्ली की तर्ज पर इंदौर में भी पुलिस को एक अभियान चलाकर ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना चाहिए जो कि लोगों के सामने दिव्यांगता का झूठा दिखावा कर उन्हें चपत लगाते हैं और हर माह 30 से 45 रुपए के करीब रुपए ऐंठ लेते हैं। कौन दे रहा है बिस्कुट? बिस्कुट खाने के लिए बच्चों ये, ये, एक, एक गाड़ी वाड़ी आ रही बेटा, इधर आ जाओ, साइड में हो जाओ। चलो आ रहा बाजी, एक आ रहा तुम्हारा हाथ का इलाज करवाना है। हाथ को हाथ निकाल 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 रुको हाथ निकाल इधर के साइड पे आओ। रुको रुको रुको, अरे दिक्कत वाली बात नहीं, क्या करते हो इस तरह से कुर्ता पहनते हो? हाँ हाँ बता बता, कोई बात नहीं, ये भी कला है तुम्हारी, बच्चों के लिए मानो भाई चोरी। हाँ हाँ नहीं नहीं चोरी करने में मारते तो हाँ हाँ सही सही बिग जरूर मांगता हूँ। चलो 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 ठीक है आपको मुझे, अरे चलो तुम स्टार्ट करो भैया, इस हाथ को क्या करता है इधर से? हाँ ये इसको ऐसे करके दबा लेगा और फिर ये पूरा अच्छा करके बता, ये रबर क्यों है? हाँ रबड़े बाबूजी क्या इसको भी करके बताना, अभी तो ऐसा लग रहा है कि तेरा हाथ है तो इसमें तो पकड़ में आ जाएगा। और इस तरह से क्या दिखता है कि हाथ नहीं है और लोग खाने का हाथ नहीं बाबूजी कुछ खाने का पकड़? अच्छा और लोगों से तो यार तुम तो जवान हो, तुम तो कमा भी सकते हो। तुम्हें पता है ऐसा करके दिव्यांग लोगों का अपमान कर रहे हो, जो 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 स्वावलंबी होते हैं। भैया तुम दिव्यांगों का अपमान कर रहे हो, जो स्वावलंबी होते हैं, जो जो मेहनत से खाते हैं, ये कौन सा तरीका है? तुम्हारे बच्चे कितने हैं? दो लड़की है। कहाँ है वो दोनों लड़की? गांव है हमारे। गांव कहाँ है तुम्हारा? गांव गांव कोटा बाबूजी, कोटा बाबूजी। अच्छा तो तुम्हें ऐसे कितने अलग अलग तरीके होंगे? हाँ नहीं नहीं कोई हमारे साथ है, धंधा करे धंधा करते ना वो हमारे साथ है बाबूजी। रास्ते भी कुत्ता खाएगा। तो दोस्तों देखो जागरूक होने की आवश्यकता है, इस तरह से नकली हाथ ये लगाते हैं और रबड़ से अपने ही हाथ को पेंट में इस तरह से कसते हैं रबड़ के माध्यम से कि कोई भी आम आदमी देखेगा तो उसको दया आ जाएगी और इन्हें पैसे दे देगा, लेकिन ये इस तरह के जवान हैं कि ये खुद कमा सकते हैं और ये दिव्यांग लोगों का अपमान कर रहे हैं कि भावना के साथ तो खिलवाड़ कर रहे हैं। वो पता है तुमको एक बिस्किट का पैकेट दिया था एक आदमी ने, इस उम्मीद से दिया था कि तुम दिव्यांग हो।
दिया था बाबूजी। ये घटना दिनांक 13 अगस्त की है। मैं LIG चौराहे पर ड्यूटी कर रहा था, तभी मैंने देखा कि एक दिव्यांग व्यक्ति है जो लोगों से मतलब भीख मांग रहा था, लेकिन उसका जो तरीका इस तरह का था कि कोई भी आदमी जो भी दयालु है और वो जो उसकी भावनाएँ अगर जुड़ी है असहाय के प्रति, तो उसे कुछ ना कुछ पैसे दे जाएगा। तो मैं उसके पास गया कि मैंने कहा भाई साहब, यदि आपका हाथ नहीं है तो कुछ संस्थाएं से मैं जुड़ा हुआ हूं, तो हम नकली हाथ की व्यवस्था करवा देते हैं। जब मैं तो वो दूर दूर जाने लगा, जब मैंने उसका मैं समझा कि यार ये शायद नाटक कर रहा है, तो मैंने उसका कुर्ते के वहाँ से हाथ टटोलना चाहा, तो उसको हाथ पकड़ में आया। जैसे मैंने उसका हाथ पकड़ा तो वो ऐसा झपटा मार के रेलिंग कूदते हुए भागा कि जैसे कि वो बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है। उसी के साथ जो भी भीख मांग रहे थे, छोटे बच्चे से जो मंगवा रहे थे, वो भी तुरंत चौराहे से गायब हो गए। जब मैंने इमाजी थाने के जो बीट वाले जवानों को जब बताया, तो उनकी मदद से जब पकड़ा उसे, तब लोग जागरूक हो इस मकसद से एक उसका वीडियो बनाया, जिसमें वो किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, साथ ही दिव्यांग बनकर जो दिव्यांग लोग हैं उनकी भावनाओं को भी ठेस पहुँचा रहा है। तो जब उसे मैंने समझाया कि आप ये कितना गलत कर रहे हो, क्योंकि आप 25 साल के हो और आप कमा भी सकते हो और अपने जो भी बच्चे हैं उनका पेट पाल सकते हो, लेकिन वो ये नहीं करना चाहते, क्योंकि इस तरह से भीख मांगने में सिग्नल में हर कोई व्यक्ति 2-3 रुपये तो नहीं देता, 5-10 रुपये दे ही जाता है, और दिन भर में करीब 1-1.5 हज़ार रुपये आसानी से हो जाएंगे। बच्चा जितना छोटा हो उतने ज़्यादा पैसे इनको मिलते हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग इनके तरीके हैं। जब थोड़ा सा उसे कठोरता से हमने पूछा, तब उसने बताया कि पहले वो दिल्ली तरफ वो मांगते थे, लेकिन दिल्ली में इस तरह की उनकी जो चालाकी है वो पकड़ में आ चुकी थी, इसलिए ये भाग के इंदौर तरफ आ गए और अलग अलग चौराहों पर ये इस तरह का वो कर रहे हैं। तो फिर ये जो MIG पुलिस है उसके हवाले किया, और मेरा सभी से यही निवेदन है कि कृपया ज़रूर असहाय की मदद करें, ज़रूरतमंद की मदद करें, ये मानव धर्म है, हमारा एक व्यक्ति का धर्म है, लेकिन जो असहाय बनने का ढोंग करें उसको एक्सपोज भी करें, ताकि जो आपकी जो गाड़ी कमाई है, जो भी आप दान दे रहे हैं, वो गलत हाथों में।